lots lived in barbers or residents. This is मेरे पावर्स का मतलब होता है विधायी शक्ति. अब विधायक कहाँ बन रही है? संसद में बन रही है. तो संसद के रिलेटेड जितने भी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास है हम उसे विधायी शक्तियां बोलेंगे. देखो हमने विधायी शक्ति में बोला था कि जो संसद का एक भाग है राष्ट्रपति, ठीक है. कार्यपालिका में मैंने क्या बोला था, मैं उस कार्यपालिका का अध्यक्ष हूँ, मेरे साइन से ही सारी चीजें होती हैं, मेरे अंदर ही सारी शक्तियां निहित हैं. लेकिन जब हम लोग ये पढ़ते हैं, विधायी शक्तियां पढ़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये राष्ट्रपति कहता है कि मैं इसका एक भाग हूँ. इसलिए याद करो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिया था जब हम लोग संघ की कार्यपालिका को डिस्कस करते हैं. संघ की कार्यपालिका तो उसमें हमने पांच लोगों को बताया था. तो उन्हीं पांच लोगों में सबसे पहला कौन था? राष्ट्रपति था. उसमें सबसे पहला राष्ट्रपति था. तो इसीलिए अगर हम पॉइंट वाइज लिखने लगे तो हम कहेंगे कि संसद का एक भाग है राष्ट्रपति, संसद का एक पार्ट है. ठीक है, पार्ट है ये उसकी. तो विधायी शक्तियों में पहला क्या होगा कि संसद के जो दोनों सदन है कौन है? लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्ता आह्वान है, एक सत्रावसान है, एक सत्र का आह्वान है. आह्वान मतलब हम सत्र शुरू कर रहे हैं. तो शुरू में जो सबसे पहला भाषण होता है, आह्वान जो होता है वो राष्ट्रपति करता है. ठीक है, या कोई भी लोकसभा चुनाव होने के बाद जो प्रथम अधिवेशन होता है या प्रथम बैठक जो होती है उसका भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है. अब राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, क्या होती है? संयुक्त बैठक. संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग. ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग. ज्वाइंट सिटिंग, अब ज्वाइंट सिटिंग क्या होगी? ज्वाइंट सिटिंग में दोनों पक्ष आएंगे, राज्यसभा भी आएगी और लोकसभा के लोग भी आएंगे. राज्यसभा और लोकसभा दोनों के एमपी आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, दोनों के ही सांसद आएंगे. ठीक है, तो जब दोनों के सांसद आएंगे तो ये इसका आह्वान कौन करेगा? सडन अगर करना पड़े तो ये भी राष्ट्रपति ही इसका क्या करेगा? आह्वान करेगा. लेकिन लेकिन ये जो ज्वाइंट बैठक हुई, देखो इसका भी एक अध्यक्ष होता है और इसका भी एक अध्यक्ष होता है ना. लेकिन जब दोनों मिलकर कहीं बैठेंगे तो उसका एक ही अध्यक्ष होगा, दो अध्यक्ष तो मुंडी नहीं हो सकती. तो याद रखना इस ज्वाइंट सिटिंग का जो अध्यक्ष होता है, नहीं वही तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है. इस ज्वाइंट सिटिंग का जो अध्यक्ष होगा ये लोकसभा, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, वैसे तो नॉर्मल ये लोग अब रट चुके हैं, फिर भी इसको नेक्स्ट. देखो अगर हमारे पास ऐसा संसद में कोई विधेयक है जो कि बहुत देरी ले रहा है, बहुत लंबित हो रहा है, तो राष्ट्रपति आदेश देगा कि उस विधेयक को आप संसद में लाओ. तो हम ये कह सकते हैं कि संसद में अगर कोई विधेयक लंबित है, विधेयक या आप बोलो बिल, बिल अगर लंबित है ठीक है, बहुत टाइम ले रहा है, तो राष्ट्रपति के आदेश से उसे लाया जाएगा. राष्ट्रपति के आदेश से उसे लाया जाएगा. क्लियर, मतलब राष्ट्रपति ऑर्डर करेगा कि उस विधेयक को लाओ. क्लियर, राष्ट्रपति जो है एक होता है, देखो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं पुनर्विचार करने की शक्ति. अगर उसको कोई सी विधेयक में प्रॉब्लम लगे या वो चाहता है कि इस पे और डिस्कशन हो, उसके ज्यादा रिकमेंडेशन भी भेज जाए, कुछ भी है, तो वो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास आता है. लेकिन धन विधेयक ऐसा विधेयक है, धन विधेयक या फाइनेंशियल जो बात है आप लिखो कि धन विधेयक या आप बोलना फाइनेंस बिल, ये एक ऐसा बिल है जो राष्ट्रपति के राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता. ठीक है, बाकी हम बिल वगैरह सारी चीजें देखेंगे. पांचवें नंबर पर हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत जो है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है आप बोलना कि आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है. ठीक है, पहली बात अब ये क्या करेगा देखो, राष्ट्रपति आर्टिकल आपके 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है. अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन इस अध्यादेश पर संसद में 6 months, ठीक है, 6 months के भीतर बैठक हो जानी चाहिए. ठीक है,
अगर वो इस आर्टिकल 123 के अराउंड अकॉर्डिंगली अगर कोई अध्यादेश जारी कर रहा है तो 6 महीने के भीतर उस अध्यादेश पर आपके पास आपको बैठक करनी है संसद में। क्लियर। सारे राष्ट्रपति के क्या थे आपके विधायक, कल भी हम लोगों ने विधायक के कुछ पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे बताओ, कौन से चार वो आपके लिख लो यहाँ पे 6वें नंबर पर, चार हमारे पास कौन थे, 4 UTs थे, यूनिट यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य कौन कौन से थे बताओ, नाम बताओ, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप और दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, ये जो चार है, ये चार क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा, विधायी शक्ति में क्या आती है, राष्ट्रपति इनके शासन का सुचारू चल रहा है कि नहीं, वहां का प्रशासक प्लस वहां के लोगों का वेलफेयर, ठीक है, वहां के लोगों का वेलफेयर, वहां के एनवायरमेंट का वेलफेयर, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये अन्य विधायी शक्तियां हैं, इवन ये हो गया। इसके बाद जो हमारे काउंसिल्स हैं, जैसे महालेखा अधीक्षक हो गए, आपके फाइनेंस कमीशन हो गए, ठीक है, इवन जो आयोग है जिसे हम आयोग कहते हैं, कौन कौन से आयोग आपके, मुख्यतः आपका फाइनेंस वाला, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये जो आयोग है, कमीशन है, इसके जो महालेखा, फिर महालेखा अधीक्षक हो गया, ठीक है, फिर लोक संघ सेवा हो गई, यानी कि यूपीएससी वगैरह हो गए, इन सबके लोगों को क्या करता है, अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, उसका कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट करता है और प्लस उसके रिकमेंडेशंस को देता भी है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे प्रस्तावक ऐसे होते हैं, वो भी राष्ट्रपति को पहले दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति के पास एक विशेष नियम, विशेष अधिकार है, ये अधिकार क्या है कि राष्ट्रपति जो है पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी का इंफॉर्मेशन बताओ मेरे पास, यूटी है और क्या है, पुडुचेरी के विधानसभा से लोग जाते हैं। तो पुडुचेरी के लिए भी राष्ट्रपति जो है नियम बना सकता है, ठीक है, पुडुचेरी के लिए भी राष्ट्रपति नियम बना सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि पुडुचेरी का जो विधानसभा है या तो वो विघटित हो चुका है या उस स्थिति में, ठीक है। तो ये लिख लो कहीं पे कि राष्ट्रपति जो आपका है ये क्या करेगा, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी के लिए नियम बना सकता है ये राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के पास ये नोट डाल के लिखना है कि राष्ट्रपति पुडुचेरी के लिए नियम बना सकता है, परंतु शर्त क्या है कि वहां की जो पुडुचेरी की जो विधानसभा है या तो वो विघटित हो चुकी हो या तो वो निलंबित है, शर्त माननी पड़ेगी वहां की जो विधानसभा है या तो वो विघटित हो चुकी या तो वो निलंबित है। क्यों? क्योंकि पुडुचेरी एक और भी कंडीशन होती है पुडुचेरी का, क्या है कि पुडुचेरी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही साथ पुडुचेरी का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उसके निर्वाचन मंडल में जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि भले ही निर्वाचित जो पूरे के राज्य हैं प्लस पुडुचेरी और दिल्ली के जो विधानसभा हैं, वहां के निर्वाचित जो विधेयक हैं, ठीक है, निर्वाचित जो विधेयक होते हैं, या आप विधेयक बोल रहे हैं, विधायक, ठीक है, जो MLAs होते हैं, MLAs जो हैं वो उनके निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, ठीक है, महाभियोग वाला जो प्रोसीजर होता है राष्ट्रपति का, उसमें कभी भी किसी भी विधानसभा का कोई निर्वाचित कोई मनोनीत सदस्य नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ सांसद रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए पूछेगा जरूर, क्यों, तुम ये सोचोगे कि निर्वाचन में जाता है तो महाभियोग में भी जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति की उसको पढ़ा जो मैंने तुम्हें कल भेजा था, शुरुआती में हुआ, देखो जब भी किसी भी सदन में अगर हम एक वित्तीय बिल को पेश करना चाहते हैं या कोई भी वित्तीय विधेयक को पेश करना है तो उसके पहले हमें राष्ट्रपति से पुनर अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला क्या है कि फाइनेंस बिल या वित्तीय विधेयक, ठीक है, इस वित्तीय विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक है।
दूसरा हम ये लिखेंगे कि जो वित्तीय विधेयक, आप देखो हम लोग फंड्स के बारे में बात किए हैं पहले, तो अगर हमारे पास आकस्मिक निधि, फंड को हम लोग क्या कहते हैं, निधि, फंड को हम लोग क्या कहते हैं, निधि, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि से किसी भी बहुत ही अप्रत्याशित समय अगर परिस्थितियां हो गई, मतलब समझ लो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन वेलफेयर मोस्ट ऑफ द टाइम सुनामी वगैरह जो है ये सारी चीजें होती है, तो आकस्मिक निधि से भी अप्रत्याशित अप्रत्याशित परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आप जानते हो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, तो फाइनेंस रिपोर्ट भी है, राष्ट्रपति के समक्ष पहले रखा जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष पहले रखते हैं ये सारे। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हमें कोई फाइनेंशियल अनुदान चाहिए, अनुदान यानी कि हमें कोई फंड चाहिए या फंड की रिकमेंडेशंस चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमें कोई अनुदान चाहिए, अनुदान, ठीक है, तो आप अगर अनुदान चाहिए तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना होगा। फर्स्ट हमें राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर ही हम अनुदान के लिए सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है, अनुदान के लिए सिफारिश या अनुदान की कोई रिकमेंडेशन, सिफारिश को हम लोग रिकमेंडेशन कहते हैं, क्लियर। तो दीज आर योर फाइनेंशियल। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की क्या हो सकती है बताओ, बहुत नियुक्ति करवा रहे थे तो हमने बताया था कि जितने भी मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश देखो एक तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, एक तो आपके पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होगा, ठीक है, तो यानी कि इसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश जो इसका होगा उसकी भी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, उसकी शपथ में भी आते हैं, ठीक है, तो ये उसकी सबसे पहली न्यायिक शक्ति होगी। दूसरी शक्ति क्या होगी बताओ, दूसरी शक्ति क्या होगी, अरे इतना सोचो कुछ तो। मैंने आपको बोला था कि राष्ट्रपति जो कार्य करता है, ठीक है, वो उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद तो होती ही है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से वो सारे काम करेगा, लेकिन क्या कभी राष्ट्रपति कभी सोचा है कि आप जजेस से भी सलाह लो, क्योंकि हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैंने बताया था कि जो ये जज वाला पार्ट है या जुडिशियरी पार्ट जो भारत का संविधान है वो हमेशा एक जगह रहता है, यूनिटरी है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, इवन वो अपने निर्णय स्वतंत्र रहता है, मतलब इसके संवैधानिक पीठ बनती है, जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट की उसकी पीठ बनती है, और फिर हम लोग मत के हिसाब से कोई जजमेंट आता है। सिमिलरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि राष्ट्रपति जो है बिल्कुल जैसे वो मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है, वैसे ही वो मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ले सकता है। तो आप लिखना कि जो राष्ट्रपति जो है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा क्या रहता है कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ले सकता है, देश से भी क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है या एडवाइस ले सकता है, ठीक है, लेकिन इस एडवाइस को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, ठीक है, मानना या नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करना या नॉट एक्सेप्ट करना, ये क्या है, संपूर्ण राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति का या प्रेसिडेंट का विवेक, ठीक है, ये
ये वो बाध्य नहीं है, इसका मतलब वो जो सलाह उसने दिया है आपके ये चीफ जस्टिस ने, वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद बताओ और क्या राष्ट्रपति के पास है? एक तो हम लोग यूज में अक्सर सुनते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है। तो अनुच्छेद एक आता है 72, आप देखो कि आर्टिकल 72 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति किसी के दंड को कम करना, ठीक है, किसी के दंड को खत्म करना, ठीक है, या आप आदेश जो कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, फिर वो जो सैन्य जो दंड वाला केस होता है उस वाला में भी राष्ट्रपति का हिस्सा लेना, हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं आप जो लिखना वो क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, ठीक है। ये सारे जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति की दंड से रिलेटेड जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियां होती है वो उसकी न्यायिक शक्ति होती है। मतलब जैसे कि किसी को फांसी की सजा है तो उसकी फांसी की सजा को देरी करना है या उसकी फांसी की सजा को खत्म करना है, ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास है। अक्सर जो लोग फांसी को जाते हैं तो लेटर नहीं राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, ये जो सुनते हो आप, ये सब क्या है कि अनुच्छेद 72 में ही दिया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास किसी का जो प्राण दंड है उसको स्थगित भी कर सकता है, उसको निलंबित भी कर सकता है या उसको खत्म भी कर सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें वो राष्ट्रपति सारे मतलब बैकग्राउंड के सारी चीजों को देखेगा, परामर्श करेगा, तभी करेगा, लेकिन एनी हाउ राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियां होती है। और कौन से आर्टिकल के द्वारा होती है? आर्टिकल 72, ठीक है। और भी राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है जो हम लोग सिविल्स में जब देखते हैं, आरएस वगैरह में, तो इसको और भी ज्यादा इलैबोरेट करते हैं, बट फर्स्ट ग्रेड में इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां, ठीक है, यानी कि आपके पास जो सेना है उससे मिलिट्री पावर्स कितने मिलिट्री है हमारे यहाँ पर? जल, आकाश और थल, ठीक है, यानी कि नेवी, एयर और आपके भूमि वाले, ठीक है। तो अब इन्हीं तीनों के जो सुप्रीम होते हैं, सर्वोच्च सेनापति जो होगा वो कौन होगा? हमेशा याद रखना है कि जो इन तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, मतलब सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति, ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी मिलिट्री फोर्स है चाहे कैसी भी हो उसके सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति है। इवन अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि हमें क्या करना है, युद्ध छेड़ना है, ठीक है, कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि हमें वॉर छेड़ना है, वॉर स्टार्ट करना है, तो उससे पहले हमें राष्ट्रपति की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। तो किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में अगर वॉर स्टार्ट करना है, वॉर या युद्ध स्टार्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले राष्ट्रपति का परमिशन चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ये होती है राष्ट्रपति की क्या शक्ति? सैन्य शक्तियां। अब राष्ट्रपति के पास, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां जनरल पावर्स और राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स। जनरल पावर्स ऑल टाइम वर्केबल होंगे, जबकि इमरजेंसी पावर्स सिर्फ जब देश में इमरजेंसी की स्थितियां होंगी, आपातकाल की स्थितियां होंगी, तभी होगा। तो यानी विधान पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसी राज्य की या प्रस्तावना, तो हम संप्रभुता जैसा एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? संप्रभुता क्या मतलब होता है? संप्रभुता का मतलब यही होता है ना कि एक राज्य जो है वो अपने रक्षा संबंधी जितने भी डिसीजन है वो किसी फॉरेन से या बाहर की कंट्री से क्या संबंध रखेगा, नहीं रखेगा, क्या डिसीजन लेगा, नहीं रखेगा, दूसरों के रिलेशनशिप जैसे होंगे, क्या होगा, वो सब मैं खुद डिसाइड करूंगा, कोई दूसरा कंट्री उस पर या कोई दूसरा राज्य उसको डिसाइड करने की क्षमता नहीं रखता है। सिमिलरली इसी से रिलेटेड किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रपति की कूटनीति संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की कूटनीति संबंधी शक्तियां, ठीक है, इमरजेंसी से पहले थोड़ा सा ये देख लो शक्तियां। इसमें क्या बोलेंगे? कूटनीति मतलब क्या कि इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनली अगर किसी से कोई संबंध लेना है, इंटरनेशनली कोई ट्रीटी करनी है, संधि करनी है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक, तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनली, ठीक है, कोई संधि यानी ट्रीटी बोलो,
कोई व्यापार बोलो, बिजनेस, कोई आपका संबंध बोलो, कैसे भी रिलेशनशिप का संबंध या रिलेशनशिप, इन सबके जो भी ऑफिशियल होंगे, ऑफिशियल वर्कआउट होगा, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और राष्ट्रपति के शासन के अंतर, मतलब राष्ट्रपति के आप बोल सकते हो परमिशन के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आप बोलना कि जय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अंतर्गत होगा या राष्ट्रपति के परमिशन के अंतर्गत होगा। लेकिन लेकिन इसके पहले ये सारी चीजें राष्ट्रपति के नाम पर बोल सकते हो, आप बोलना कि राष्ट्रपति के नाम पर, सबसे अच्छा यही रहेगा, नाम पर होता है, नाम पर होता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले उसे क्या करना पड़ेगा, संसद से अनुमोदन करना पड़ेगा, अनुमोदन यानी कि आपके पार्लियामेंट से उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना है, पार्लियामेंट उसकी अनुमोदन करेगा, ठीक है। दूसरा, अब इंटरनेशनली कुछ हो रहा है तो इसका मतलब क्या कि हमारे यहाँ पर कौन है अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जयशंकर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंत्री होंगे या आयुक्त होंगे, ठीक है, इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इवन आप राजदूत भी बोल दो, ठीक है। अब बाहर से जो भी आएंगे, बाहर से, ठीक है, जो भारत आएंगे, भारत आएंगे, ठीक है, भारत से भी जो भारत आएंगे, यानी कि वहां के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, या कोई भी डेलीगेट हो गया, कोई भी आयुक्त हो गया, या कोई भी राजदूत हो गए, वो सब जब भारत आएंगे तो उसके कौन करेगा स्वागत, राष्ट्रपति ही स्वागत करेगा। तो हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति जो है स्वागत करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां है, कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां। नेक्स्ट लिखो आपातकालीन शक्तियां, यानी कि इमरजेंसी, आपातकालीन शक्तियां, यानी कि इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स क्या हो गए, पहले हमारे पास राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी आपातकाल, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा आपातकाल लगेगा, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा कौन सा लगेगा, तीसरा हमारे पास वित्तीय आपातकाल लगेगा, ठीक है, ठीक। अब मुझे बताओ राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आर्टिकल 352 की बात है, 352 पे दिया गया है। फिर राष्ट्रपति शासन जो है, यानी कि आप बता सकते हो कि जो प्रेसिडेंशियल रूल है, स्टेट इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, या आप इसे इंग्लिश में बोलना स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल आपके आर्टिकल 355 और 365। आपका जो वित्तीय आपातकाल है यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये क्या है, ये आपका आर्टिकल 360 की बात है, आर्टिकल 360 की बात। बहुत तरीके के इमरजेंसी होंगे और हर एक इमरजेंसी, लेकिन हमने एक बताया था आपको फंडामेंटल राइट्स के समय, फंडामेंटल राइट के समय बताया था कि ये जो राइट्स हमें ऑल द टाइम मौजूद है, उस पर भी हम जब हमारे कोई भी इमरजेंसी लगेगा तो उस पर हमारे पास रोक लग जाती है, कुछ कुछ स्वतंत्रता उसके रोक, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास इमरजेंसीज होती हैं, जो राष्ट्रपति के पास ये पावर रहता है और अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से वो ये सारे कार्य करता है, ठीक है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल किस इमरजेंसी के साथ है, क्योंकि इसकी मैचिंग आ सकती है। तो आर्टिकल 352 आपको बोलेगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन बोलेगा 356, 365 और फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलेगा 366।